हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ओनली कॉन्सेप्ट। आपका इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने प्राचीन बिहार के लेक्चर 2 में। हम लोगों ने पिछले क्लास में बिहार के इतिहास के बारे में जाना कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा और ये कहाँ कहाँ से आया है, किन किन स्रोतों से, जिसमें हमने पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत देखा। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को, जानते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है पूर्व ऐतिहासिक बिहार। हेडिंग डालिए पूर्व ऐतिहासिक बिहार। क्या पढ़ना है? पूर्व ऐतिहासिक बिहार आज हम लोगों का ये टॉपिक रहेगा, पूर्व ऐतिहासिक बिहार। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? पूर्व ऐतिहासिक बिहार में हम लोग किन बातों पर चर्चा करेंगे, तो इस ये हम लोग शुरू करते हैं। पहला इसमें पूर्व ऐतिहासिक बिहार में स्टोन एज से। किससे? स्टोन एज। स्टोन एज का स्टोन एज, इसको हम लोग प्रस्तर युग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तर युग। प्रस्तर युग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्तर युग। स्टोन एज को ये सबसे आरंभिक काल है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सबसे आरंभिक चरण है ये। क्या है? आरंभिक चरण। आरंभिक चरण है ये स्टोन एज। ठीक, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं इस काल के बारे में, और कि इसमें जो है एक रूपता नहीं था, अलग अलग भाग में विभाजन देखने को मिलते हैं इस काल में, लेकिन एक रूपता की कमी थी इस काल में। क्या थी? इस काल में एक रूपता की कमी, एक रूपता की कमी थी, एक रूपता की कमी। ठीक, इस काल में क्या थे? एक रूपता की कमी। और इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से, स्टोन एज जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया। अब वो क्या क्या भाग है स्टोन एज को 3 भाग में, कौन कौन से भाग हैं, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखिए प्रस्तर युग। प्रस्तर युग इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए स्टोन एज, है ना। अब इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन सा होगा। पहला भाग है प्राचीन प्रस्तर युग। प्राचीन प्रस्तर युग क्या भाग है? पहला कौन सा है? प्राचीन प्रस्तर युग। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा मध्य प्रस्तर युग। मध्य प्रस्तर युग दूसरा हो गया। और तीसरा भाग क्या है? नव प्रस्तर युग। नव प्रस्तर युग। ठीक, 3 भागों में हम लोगों ने बांट दिया। अब देखना है कि इसका कार्यकाल क्या रहा दोनों का, तीनों का। तो इसमें आप लिखिए 30,000 वर्ष पूर्व, है ना। 30,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक ये कौन सा काल रहा? प्राचीन प्रस्तर युग। प्राचीन प्रस्तर युग कब से? 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक प्राचीन प्रस्तर। अच्छा, मध्य प्रस्तर कब से रहा है? तो ये 10 में यहाँ एंड हुआ, तो इसका हम लोग देखेंगे 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व क्या रहा? मध्य प्रस्तर कब रहा? 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व पहले, है ना। और नव प्रस्तर हम लोग इसमें देखते हैं, ये 8,000 पर यहाँ एंड है, तो इसका 8,000 से 9,000 वर्ष पूर्व इसका हम लोग देखते हैं। 8,000 वर्ष पूर्व से, है ना, इसमें 8,000 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका हम लोग लिख लिए कि 8,000। अब ये यहाँ देखिए कि प्रस्तर युग जो है इसको 3 भागों में बटा गया स्टोन एज को, प्राचीन प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग। ये जो है डेट जो है ये पूछा नहीं जाता है, आपके समझने के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिख दिया है। ये पूछा नहीं जाता है, एक आइडिया आपको मिलता रहेगा कि हम लोग किस समय की बात कर रहे हैं,
इसके कारण इसको लिख दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन प्रस्तर युग के बारे में कि ये युग की क्या खासियत रही। तो यहाँ पर डालिए प्राचीन प्रस्तर युग, प्राचीन प्रस्तर युग। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या खास बात रही इस युग की, शॉर्ट में या चर्चा करते चलते हैं। इस युग में पत्थर के औजार पर निर्भर थे लोग। पत्थर का औजार के निर्भर रहने का मतलब क्या है कि पत्थर के औजार की कुल्हाड़ी, खाने के चीरने का, फाड़ने का, काटने का, जैसे फल को काटना है उसके लिए पत्थर के औजार, तो लोग यहाँ पत्थर के औजारों का यूज करते थे। पत्थर के औजार, पत्थर के बने औजार का यूज करते थे। औजार पर निर्भर, किस पर निर्भर थे? पत्थर के बने औजार। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टार मार्क। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार में साक्ष्य प्राप्त कहाँ कहाँ से हुए हैं? तो दो जिला से हुआ है। कौन कौन सा जिला है? मुंगेर और नालंदा, दो जिला से इसका प्रमाण मिला है प्राचीन प्रस्तर युग का। ये दो क्या है? जिला है बिहार का। ये दो जिला से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ये हम लोग देख लिए प्राचीन। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रस्तर युग। हेडिंग डालिए मध्य प्रस्तर युग। इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या खासियत रही। तो इसमें भी पत्थर के औजार पर निर्भर थे लोग, लेकिन पत्थर के औजार का बेहतर उपयोग, जैसे पत्थर के औजार में जैसे ये डंटा है पहले बनाते थे पत्थर के औजार के, तो अब इसमें धारदार बनाने लगे किसी चीज़ को काटने में या चीरने के लिए। अगर कोई पहले ये एक लंबा सा डंटा रहता था, तो अब इसमें नोक बनाने लगे, नोकीला कर दिए, जिससे उसको चीरने काटने में आसानी हो, फल को आराम से चीर सके। तो इस युग का खासियत ये रहा कि पत्थर के बने औजार तो थे, उस पर ही थे, लेकिन उसको बेहतर उपयोग था इसके पास। उसको बेहतर कर लिए अपने औजार को और मॉडिफाइड कर लिए अपने औजार को। तो इस पर लिखते हैं बेहतर, बेहतर पत्थरों के औजार, है ना? इतना सा समझ लेंगे आप। अच्छा, इसमें इसका जो है, इसका भी साक्ष्य वही, इसका भी सेम है जो प्राचीन का था मुंगेर और नालंदा। इसका भी साक्ष्य बिहार में मुंगेर और नालंदा से ही मिलता है। मुंगेर और नालंदा, ये दो जगह से बिहार में इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नौ प्रस्तर युग। ठीक, क्या देखते हैं? नौ प्रस्तर युग, नौ प्रस्तर युग। नौ प्रस्तर युग के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा डिटेल से देखना होगा, है ना? तो सबसे पहली बात है कि ये नौ प्रस्तर युग जो था, इस ये सबसे ज़्यादा डेवलप युग था। ये तीनों युग में, प्राचीन, मध्य और नव में, इसके ज़्यादा डेवलप होने का कारण क्या था? यह मैदानी क्षेत्रों में फैला स्थित था। मैदानी क्षेत्रों में फैलने से क्या हुआ कि वहाँ ये लोग थोड़ा बहुत किसी चीज़ को पालतू भी बनाने का मौका मिला, जगह था पर्याप्त, और सारे माहौल को जाने, मैदानी क्षेत्रों में जितने भी जगह थे वहाँ ये सब नौ प्रस्तर युग काल का साक्ष्य मिला है। तो इसकी पहली खासियत क्या थी, क्या थी? यह मैदानी क्षेत्रों में स्थित था, यह मैदानी क्षेत्रों में स्थित जगहों में था, ठीक ना? यह मैदानी क्षेत्रों में स्थित जगहों में था। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि वो जगह क्या था, मैदानी क्षेत्र। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, स्टार मार्क लगा दे इसमें। अब वो मैदानी क्षेत्र कौन सा रहा? जैसे बिहार में, बिहार में तो बिहार में वैसा क्षेत्र रहा चिरांद। चिरांद, ये चिरांद कहाँ पर है? सारण जिला में। कहाँ पर है? सारण में। उसके बाद चेचर कहाँ पर मिला? चेचर अथवा श्वेतपुर, ये कहाँ है? वैशाली में, वैशाली में। और सिनुआर,
ये कहाँ पर है? रोहतास जिला में, रोहतास जिला में। मनेर है, और मनेर कहाँ है? पटना में, है ना। ये सब जो था ये प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र किसका? नवप्रस्तर युग का प्रमुख केंद्र रहा बिहार में इतने जगहों से। नवप्रस्तर युग का साक्ष्य कहो या प्रमाण कहो, ये सब मिला है। ठीक, तो अब इस समय की ये नवप्रस्तर युग की खास बात क्या रही? तो इसमें एक जगह जब मैदानी क्षेत्रों में स्थित हुए तो इसका क्या मतलब है कि इस समय मानव एक अस्थायी जीवन जीने की राह पर आ गए। एक जगह मैदानी क्षेत्र में रहने लगे तो इसका मतलब है कि वो अस्थायी जीवन जीना सीख गए, उसके राह पर आ गए, है ना। इसमें लिखते हैं हम लोग, मानव अस्थाई जीवन जीने के राह पर, जीवन जीने के राह पर आ गए, है ना, राह पर आ गए अस्थाई जीवन जीने के। और इसमें औजार हम लोग पीछे भी देख रहे हैं तीनों में कि कुछ न कुछ औजार डेवलप हुआ, तो इसमें क्या खास बात रहा? इसमें पत्थरों का यूज करना छोड़ दिए कि वो कंटिन्यू रहा। तो इतिहास में जहाँ कुछ चेंज होता है, मतलब कि सतत अगर कोई काम होते आ रहा है कि और जिस काल में वो काम होना बंद हुआ या उसमें कुछ बदलाव आया, तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही बनते हैं जहाँ पर वो उसका एक टर्निंग पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। तो वही इतिहास में है कि टर्निंग पॉइंट देखते जाइए कि क्या कॉमन है और कहाँ पर क्या बदला, क्या उस काल में विशेष रहा, वही चीज़ इतिहास में पूछा जाता है। तो इस काल में क्या था कि पत्थर का औजार, पत्थर का औजार तो था, बस इसमें एक चीज ऐड हुआ इस काल में पत्थर के औजार के साथ नवप्रस्तर में। वो ऐड क्या हुआ? इसमें हड्डियों के औजार का भी वो लोग प्रयोग करना सीख गए, उपयोग करना सीख गए, हड्डियों के औजार इसमें, समझ गए, हड्डियों के औजार का भी वो लोग यूज करना सीख गए। और इस काल में हम लोग प्रस्तर युग की जानकारी जो है गुफा चित्र से हम लोग को प्राप्त मिलता है, जो कि बिहार के कैमूर की पहाड़ी हो गई जैसे, और नवादा जमुई से भी ऐसे चित्र प्राप्त मिले हैं। कैमूर की पहाड़ी से, नवादा जमुई से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं प्रस्तर युग के बारे में। प्रस्तर युग की जानकारी इसका एक अन्य स्रोत हो गया, गुफा में मिले हैं चित्र उस युग के बने हुए, बिहार के गुफा से मिले हैं, तो ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। क्या हुआ? इस युग की जानकारी जो है अन्य स्रोत, जैसे गुफा, चित्र से मिला। अच्छा, ये गुफा चित्र कहाँ मिला? ये गुफा चित्र जो है ये कहाँ मिला? ये कैमूर की पहाड़ी, लिखिए कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर की पहाड़ियों से और नवादा से, जमुई से इसके चित्र प्राप्त हुए हैं, गुफा चित्र ये सब लिख दिए हैं। तीनों जगहों से प्राप्त हुए हैं गुफा चित्र। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग इसी युग में, अभी नवप्रस्तर युग में बताए थे ना कि ये थोड़ा डिटेल से इसको पढ़ना होगा, क्योंकि इससे इससे ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। अब इस युग की सबसे खास बात क्या रही, इसको ट्रिपल स्टार कीजिए, इसको ये पूछे जाएंगे। इस युग में पहली बार क्या हुआ? सोचिए, दिमाग लगाइए। तांबे का उपयोग इस युग में पहली बार प्रारंभ हुआ, इसलिए इस युग को ताम्र प्रस्तर युग कहा जाता है। अब आप लोग समझेंगे इसको ताम्र प्रस्तर युग क्यों कहते हैं। प्रस्तर युग को कि आगे लग जाता है ताम्र प्रस्तर युग, हम लोग पीछे ताम्र प्रस्तर युग इन मृद भांड की चर्चा किए थे पिछले क्लास में, मृद भांड मिले हैं ताम्र प्रस्तर युग में। तो ताम्र इसके आगे लगने का कारण है प्रस्तर के, यही कारण कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है इस काल में। वो बड़ी उपलब्धि क्या रही कि यहाँ से तांबे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इस युग को ताम्र प्रस्तर युग कहा जाता है। अब यहाँ एक पॉइंट डाल के लिखिए, इस युग में तांबे का
उपयोग आरंभ हुआ। तांबे का उपयोग इस युग में आरंभ हुआ, है ना, तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। ये तांबे का आरंभ हुआ, इसके कारण आरंभ होने के कारण इस युग को क्या कहा जाता है? तांबे का प्रयोग आरंभ होने के कारण ताम्र प्रस्तर युगीन, ताम्र प्रस्तर युग, प्रस्तर तो चला आ रहा था, है ना, उसमें ताम्र लग गया, ताम्र प्रस्तर युग कहा गया इसको। अच्छा, ताम्र प्रस्तर युग कहा गया, इसकी अवधि क्या रही, इस युग की अवधि क्या रही? तो 3000 से 1500 ईसा पूर्व इस युग की अवधि रही लगभग। अनुमान तो प्राचीन इतिहास का कोई भी डेट जो है ना वो फिक्स नहीं है, आप अलग अलग बुक में देखेंगे, अलग अलग किताब में देखेंगे तो सब इतिहासकारों का अपने अनुसार यानी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिलता है। इसलिए जो है प्राचीन इतिहास से डेट कोई भी एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, एक्सेप्शन केस में अगर कोई एग्जाम में आ जाए तो, इसलिए डेट प्राचीन इतिहास का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया है पढ़ने के लिए कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ पर आप खड़े हैं, इसलिए उपयोग किया जाता है पढ़ाई में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है भारत में लोह युग स्टार्ट हुआ। ताम्र के बाद क्या हुआ? लोह युग स्टार्ट हुआ, जिसमें लोह युग क्यों स्टार्ट हुआ, जिसमें लोहे का उपयोग करना मानव ने सीखा। अच्छा, लोहे का उपयोग करने के बाद भारत में समझो तो एक क्रांति सी आ गई, उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग कृषि करना सीख गए, जब से लोहे का उपयोग हुआ तो कृषि में वो लोग का कृषि करना सीख गए। तो इसके बाद जो है इस युग के बाद कहा गया, इस युग में तांबे का उपयोग आरंभ हुआ, आरंभ होने इसके कारण इसको ताम्रप्रस्तर युग कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लिए। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ही, इसके तदुपरांत, अच्छा वर्ड लिखिए, इसके तदुपरांत क्या स्टार्ट हुआ? लौह युग स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये युग कब आरंभ हुआ? तो ये संभवतः कब आरंभ हुआ ये भी एक होना चाहिए ना, ये 1500 ईस्वी में ये युग का समाप्त तो माना जाए अगर, तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं 1000 ईसा पूर्व ये आरंभ हुआ लोह युग। ठीक, यहाँ आप लोगों ने ये देखा कि 1000 ईसा पूर्व ये आरंभ हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे कि ताम्र प्रस्तर युग के बाद लोह युग आरंभ हुआ, लोह युग के बाद क्या क्या खास बात रही, तो ये तो हम लोग देख लिए एक एडिशनल के रूप में कि इस युग के बाद आपको समझने जीने के क्रम में कि लोह युग आदि आरंभ हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग हैं ताम्र प्रस्तर युग इनमें। अच्छा, ताम्र प्रस्तर युग जो है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली थी विकसित सभ्यता। ताम्र प्रस्तर युग जो है सबसे पहली भारतीय महाद्वीप की जो है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता थी। इसके बाद जो है इतिहास को मिला सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें एक पॉइंट और डाल के हम लोग चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। एक पॉइंट क्या डालना है कि ताम्र प्रस्तर युग इंड कर रहे हैं तो नाम लिख लेते हैं इसका ताम्र प्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास मिला, सभ्यता का इतिहास मिला सिंधु घाटी सभ्यता का। अब इससे क्या समझे, ताम्रप्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप की, ताम्रप्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता, पहली विकसित सभ्यता थी ताम्रप्रस्तर युग में, वो कौन सी सभ्यता थी विकसित सभ्यता अर्थात या सिंधु घाटी सभ्यता। ताम्रप्रस्तर युग में जो है सब सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रप्रस्तर युग में ही आते हैं,
ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रप्रस्तर युग में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस युग में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास मिला इसी युग में। तो अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्या है। इसमें दो प्रमुख शहर थे, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। या हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें दो शहर थे प्रमुख शहर सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसका मैक्सिमम चर्चा मिलता है। वो दो प्रमुख शहर कौन थे? एक था हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, और एक था मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी में सभ्यता में दो शहर जो था उस सभ्यता में, ये सब सिंधु घाटी के शहर हैं। इसमें दो जो है शहर तो और सब भी हैं, लेकिन ये दो जो है ये प्रमुख थे। तो बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये दोनों प्रमुख को पढ़ना जरूरी है यहाँ पर, तो उसी को लिख रहे हैं। तो कौन था दूसरा? मोहन जोदड़ो। एक हो गया हड़प्पा और एक हुआ मोहन जोदड़ो। ये दोनों सभ्यता जो है अभी वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में ये दोनों पाकिस्तान में है, दोनों सभ्यता पाकिस्तान में। ये सिंध में है, पाकिस्तान के ही शहर सिंध में। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते जाते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सिंधु घाटी, या घाटी आप छोड़िए, डायरेक्ट सिंधु सभ्यता हम लोग लिख के चलते हैं, कितना लॉन्ग करेंगे। सिंधु सभ्यता, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हैं, बस इतना से ही समझ जाएंगे। सिंधु सभ्यता, तो अब हम लोग चलते हैं सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का अपडेट क्या रहा? तो इसका डेट रहा, सिंधु सभ्यता का डेट, पेन चेंज कर ले पहले, ठीक। इसका डेट रहा 2500 से 1500 ईसा पूर्व। क्या रहा? 2500 से 1500 ईसा पूर्व इसका डेट रहा। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये तो हो गया कब विकसित हुई। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ रहा? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ, कौन से जगह पर? तो विस्तार में हम लोग देखते हैं गुजरात, राजस्थान, ये सब पूछे जाते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ गुजरात राजस्थान की, उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखना है, इसको याद नहीं रखेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत परेशानी। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। अच्छा, ये चीज़ देख के आपको कुछ आइडिया लग रहा है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इससे क्या मीनिंग समझे आप? इससे कुछ दिमाग में हिंट आया? देखिए, एक्चुअली में नक्शा तो मैं बनाता हूँ, लेकिन कोई भी नक्शा बनाने वाला बोलेगा कि एक जैसा हमेशा बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर अच्छा बने तो मेरे इस कोशिश को आप लोग दाद जरूर दीजिएगा, है ना। ये रहा इंडिया का नक्शा। अक्सर नक्शा मैं जब भी बनाता हूँ तो समझो अपने पड़ोसी का एक आग जिला को हड़प ही लेता हूँ, ठीक है। इससे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गुजरात राजस्थान हरियाणा, गुजरात राजस्थान यहाँ दिल्ली के आसपास, हरियाणा हो गया, यहाँ यूपी हुआ। तो मैक्सिमम देखिए कि ये किस क्षेत्र में विकसित है, नक्शे पर आपको समझा
हूँ इसलिए कि आपके माइंड मरा जाएगा। लगभग ये इस क्षेत्र में ज़्यादा विकसित है सिंधु घाटी सभ्यता। ये मैदानी क्षेत्र ही तो है, गंगा का मैदानी क्षेत्र के रूप में यही सब तो आते हैं, है ना। इस क्षेत्र में ज़्यादा विकसित है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इस क्षेत्र में विकसित है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात इसे तो समझ लिए, तो सिंधु सभ्यता बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं बताइए। ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के अनुसार अगर देखे तो दे देगा मुंगेर, पटना, चंपारण, सारण, और जैसा कि रहता है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, एक से अधिक, ए बी सी डी ई, तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये हो गया मुंगेर, पटना, चंपारण, सारण। तो कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के जो है ये साक्ष्य मिले हैं, आंसर अगर लगाने को है तो लोग या तो मुंगेर लगाएंगे या सारण लगाएंगे, लेकिन इनमें से कोई आंसर नहीं, ई होगा इसका सही आंसर। क्यों? क्योंकि बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए, बिहार में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य नहीं, इस नहीं को हम लोग अच्छा से नहीं करते हैं, नहीं मिले, ठीक है। बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अच्छा, ये बात बताइए कि यहाँ इतना सा डिस्कस क्यों किया मैंने, जबकि मैं जान रहा हूँ कि वीडियो लंबा खींचेगा थोड़ा सा। ये डिस्कस इसलिए मैंने किया कि आप ये आप नहीं भूलेंगे, कोई चीज़ पर कुछ हटके अगर चर्चा हो जाए ना तो वो टॉपिक आपके दिमाग में रह जाता है, उसको आप जल्दी नहीं भूलेंगे। इतना तो तय है कि इस टॉपिक में अगर ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बिहार में साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मैप में देख लिया नक्शा। तो किसी किसी टॉपिक में अगर मैं थोड़ा सा हट के कुछ बताने चला जाता हूँ, तो उसको समझिए कि उस पॉइंट का आपके दिमाग में एक अलग से इमेज बनाने के लिए, कि वो आपके दिमाग में रह जाए हमेशा के लिए। हाँ, ये है कि साक्ष्य इसके नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है कुछ सामान प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साक्ष्य, क्योंकि कुछ सामान प्राप्त होता है कहीं पर तो बहुत से एंगल से देखना पड़ता है उसको। मान लो कि आप यूपी के रहने वाले हो, यूपी में ताला चाबी की मान लो कि फैक्ट्री है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि वो बिहार में भी उसकी फैक्ट्री है। क्यों? मान लो एक कोई ताला चाबी लेके आया यहाँ पर, वो जमीन में गड़ा रह गया, वो तो डेथ हो गया उनकी, उनकी मृत्यु के बाद ये जमीन में रह गया कुछ कई सौ साल बाद, जब हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो कोई खोजेगा तो कहेगा अच्छा यहाँ से ताला चाबी मिला, इसका मतलब कि बिहार में ताला चाबी बनता था। नहीं, हो सकता है कि यहाँ से लाया गया हो, इस साथ यहाँ पर ताला चाबी बनने का और भी कुछ प्रमाण मिले, जो सारे प्रमाण एक ही रास्ते पर लेके जाए कि हाँ मिल सकता है यहाँ पर, सारा प्रमाण यही कह रहा है, सारा साक्ष्य यही कह रहा है कि यहाँ भी फैक्ट्री होगा, तब जाके वो इतिहास में ये कहा जाता है कि उसके साक्ष्य यहाँ मिले हैं तो यहाँ भी रहा होगा। लेकिन बिहार में कुछ मृद भांड मिले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता की। हो सकता है कि कुछ लोग यात्रा के समय यहाँ वहाँ कर रहे होंगे, तो कुछ वहाँ का बना हुआ लाए होंगे, यहीं पर उनकी जिंदगी समाप्त हो गई, वो यहीं पर मिट्टी में दबे रह गए होंगे, तो उसका कतई मतलब नहीं है। लेकिन ये लिख लीजिए कि बिहार में कुछ मृद भांड प्राप्त हुए हैं, कुछ प्राप्त हुए हैं कुछ जगहों से सिंधु सभ्यता के मृद भांड, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है हम लोगों को, क्या स्पष्ट हुआ हम लोगों के इस बात से, क्या सीखे? यह स्पष्ट होता है कि बिहार आदि मानव का जन्म स्थान रहा है। इससे तो यह स्पष्ट होता है ना कि बिहार जो है आदि मानव का, कैसे स्पष्ट होता है कि ये देखिए आप लोगों के नौ पाषाण काल, ये नौ प्रस्तर युग में जो है, ताम्र प्रस्तर युग में जिसको हम लोग नौ प्रस्तर युग कहते हैं, वहाँ देखिए आप लोगों ने कि मुंगेर में कुछ जगह पर हड्डियों के और औजार मिले हैं, वहाँ पर हमारे आदि मानव रहते थे। तो इससे तो ये साक्ष्य मिलता है ना कि बिहार जो है हमारे पूर्वजों का
जन्म स्थान रहा है? ये मेंस का क्वेश्चन है, सुपरहिट। बिहार जो है, यहाँ लिख लीजिए बिहार, हमारे या ये लिखिए सही वर्ड ये होगा, इसको डिलीट कीजिए, बिहार आदि मानव, आदि मानव का जन्म स्थान रहा है, जन्म स्थान रहा है, इससे हम लोग को ये प्रूफ हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं कि 1500 ईस्वी में जो है भारत में आर्यों का भी आगमन हो गया था। इसी समय 1500 ईस्वी, अपना अभी बताया नहीं कि 2500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल रहा, तो 1500 ईसा पूर्व में ही भारत में आर्य का भी आगमन हुआ है। ये चीज़ भी आप लोगों को देखना है, आर्य कब आए भारत में, तो वो 1500 ईस्वी में ही आर्यों का भी आगमन हुआ है। लिख लीजिए 1500 ईसा पूर्व में ही आर्यों का आगमन, आर्यों का क्या हुआ, आगमन हुआ। आर्यों के आगमन के कारण, या इसको संयोग कहिए या यही कारण रहा, ये तो पूरा चर्चा का विषय है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य जब से आर्य आए तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो ये चीज हम लोग देखें कि आर्य, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्यों के आगमन के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो अलग अलग इतिहास को इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ आने के कारण, कुछ इतिहास का मत इतिहासकारों का मत है कि सूखा होने के कारण, तो सबका अलग अलग ये रहा। लेकिन एक बात जानिए कि भारतीय इतिहास में जो है संबंधित लिखित जानकारी, हमको इससे संबंधित अगर कुछ भी मिलती है तो उसमें सबसे प्राचीन स्रोत वेद है। आपको पीछे बताया ना कि इतिहास की सबसे चर्चित जानकारी कौन सा वेद में, शतपथ ब्राह्मण में कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में कीकत या कीरात कहते हैं बिहार में रहने वालों को। तो हम भारतीय इतिहास का संबंधित, इतिहास से संबंधित जो भी जानकारी है, लिखिए इसको भी लिख ही लीजिए, आप लोगों को नोट्स बनाने में काम आएगा। वैसे बताने के क्रम में तो मैं एक्स्ट्रा बहुत बात बता देता हूँ, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखते जाइएगा। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास से संबंधित लिखित जानकारी, लिखित जानकारी के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो क्या है, प्राचीन स्रोत, प्राचीन स्रोत क्या है, वो है वेद। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन स्रोत वेद है। भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अच्छा, कुछ इतिहासकार का मानना था, ये तो बताए कि आर्यों के आगमन से सभ्यता का पतन हुआ, तो ये पॉइंट भी यहाँ आप लिख लीजिए, हो सकता है कि आपके दिमाग से स्लिप हो जाए। कुछ इतिहासकारों का मानना रहा है कि आर्यों के आगमन के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ये तो अभी बताया आप लोगों की, कुछ इतिहासकारों का मानना ऐसा है कि आर्य आए तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अच्छा, अब जब आर्य आए तो इसका विकास, आर्यों का विकास जो है, लिखिए इसको भी, आर्यों का विकास जो है कहाँ हुआ सबसे ज्यादा, इसका विकास जो है वैदिक काल में, इसका विकास कब हुआ, वैदिक काल में हुआ सबसे ज्यादा, वैदिक काल, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना वैदिक काल, वैदिक काल में आर्यों का सबसे ज्यादा विकास हुआ। ये किधर हुआ, तो पूरब एरिया में, पूरब एरिया में, पीछे बताया ना आप को, यहाँ पर मैप में देखते हैं, इस एरिया में आर्यों का विकास, यहाँ लिखिए आर्य का विकास है ना, इस एरिया में आर्यों का विकास हुआ ज्यादा, कहने का मतलब है कि ज्यादा विकास हुआ इस एरिया में, पूरब की ओर हुआ। तो इस पूरब की ओर क्या था, गंगे घाटी,
गंगा का मैदान था, तो इस और कहते हैं इसको, इसके कारण इस जगह को हम लोगों इतिहासकारों ने नाम दिया गंगे घाटी। गंगे घाटी में आर्यों का विकास हुआ। गंगे घाटी में विकास होने का इसका कारण क्या था? गंगा नदी के कारण ये गंगे घाटी की मिट्टी जो है, यहाँ की मिट्टी वो उपजाऊ थी, मिट्टी आज भी है। बाढ़ आने के कारण जो उपजाऊ मिट्टी की उत्पादन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, तो इस कारण यहाँ गंगे घाटी में बसने का कारण है। ये लोग कहाँ बसे? गंगे घाटी में बसे, आर्य पूरब की ओर गंगे घाटी में बसे। आर्य कहाँ पर बसे? पूरब के गंगे घाटी में, है ना। वैदिक काल में इसका सबसे ज्यादा विकास रहा, सबसे ज्यादा वैदिक काल में सबसे ज्यादा विकास, है ना, यहाँ ऐसे लिख भी दिया हूँ, वैदिक काल में इसका सबसे ज्यादा विकास रहा। अब हम लोग देखते हैं कि इस काल का लगभग 800 ईसा पूर्व में जो लिखा गया है किताब तत्पद ब्राह्मण, इसमें पहली बार बिहार को भौगोलिक बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है तत्पद ब्राह्मण में। तो इस काल की हम लोग मुख्य बात देखते हैं कि इस काल में या लिखिए इसी काल मतलब लगभग कितना होगा इसका, हाँ 800 रहा होगा, लगभग लगभग 800 ईसा पूर्व में जो है शतपथ ब्राह्मण में जो है पहली बार भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा मिलता है। पहली बार इसी काल में जो है 8000 ईसा पूर्व में, इसी काल के 8000 पूर्व में शतपथ ब्राह्मण में क्या चर्चा मिलता है, कहाँ का चर्चा मिलता है? बिहार का। बिहार के किस क्षेत्र का? भूगोलिक क्षेत्र का, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको, कि इसी काल का मतलब लगभग 8000 ईसा पूर्व में शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा मिलता है पहली बार इतिहास में। बीपीएससी यूपीएससी अब अपना जो है एसआई सब में जो पहला कोई भी घटना हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो अब इस क्षेत्र में और क्या रहा? इस क्षेत्र में नगरीकरण हुआ इस क्षेत्र का, जो राज्य के निर्माण में योगदान रहा, नगरीकरण हुआ जिससे हमारा धीरे धीरे बिहार राज्य बना है। तो इस काल की एक विशेषता यह भी है, यहाँ लिखिए इस क्षेत्र में नगरीकरण और तदुपरांत यानी कि इसके बाद जो है ना राज्यों के निर्माण में निर्णायक योगदान रहा। इस क्षेत्र का जो है राज्यों के निर्माण में इस क्षेत्र में नगरीकरण हुआ। नगरीकरण होगा तो आपको पता ही है कि वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, नगरीकरण होगा तो सारे लोग वहाँ काम के तलाश में या अपना माल बेचने के लिए खुशी खुशी आएंगे, ये लोग व्यापारी लोग, यहाँ व्यापार का एक केंद्र बनेगा। तो इस काल की ये प्रमुख बात रही कि यहाँ नगरीकरण का भी विकास हुआ। आगे हम लोग देखेंगे फिर। तो प्राचीन में समझिए कि आज हम लोगों ने चर्चा किया प्राचीन परस्तर युग, मध्य परस्तर युग, नव परस्तर युग, ताम्र परस्तर युग, सिंधु घाटी, है ना, ये सब हम लोगों ने चर्चा किया। एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, पहले कल का टॉपिक बता देता हूं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? महाजनपद के बारे में, जो हमारा प्राचीन से अगला चैप्टर होगा महाजनपद। महाजनपद इसमें जो है मगध साम्राज्य कैसे बिहार का सबसे प्रमुख जो मगध रहा उसके विस्तार का कारण, उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे कल। तो टॉपिक मैंने एडवांस में बता दिया आप लोगों को कि कल क्या पढ़ेंगे। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अपने क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट बात
और मेरी तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, पढ़ के कुछ सीखें, भगवान करे ईश्वर करे कि आप सफल हों, लेकिन आपके सफलता का कारण एक ही है, या सफलता तभी होगा, तभी मिलेगा जब आप रिवीजन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे एक बार मान लो कि लाइफ में अब तक मान लो कि जो देख रहे हैं तो अब तक सक्सेस नहीं है, सोचो कि एक साल और मेरी इस बात को गांठ बांध के मान लो कि सोच लो कि ठीक है बर्बाद हो जाए तो हो जाए, शायद अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सही हो या नहीं हो, क्या ये स्टेप ऐसा करना सही होगा, तो सोच लेना कि एक साल या 6 महीना और बर्बाद करने, इतना बर्बाद किया तो बर्बाद नहीं, ये आपको आबाद कर देगी ये रिविज़न। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जब भी टाइम मिले ना, कोई भी सब्जेक्ट, ये नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो भी टाइम आपने पढ़ा है रिवीजन करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि रिवीजन 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 के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि रिवीजन करें और मन लगा के पढ़ें, बड़ों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार करें, ठीक। यही आपसे छोटी सी दरखास्त है, गुजारिश है, मांग है। चलिए तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को लेक्चर देखने के लिए और अच्छा से पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर दें लेक्चर को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू ऑल माय डियर्स।